हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, सबके दिल में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है शिवरात्रि को लेकर। तो मैंने भी सोचा कि उस शिव शक्ति के जिसके कारण हम अस्तित्व में हैं, हम सारे प्राणी चल रहे हैं, तो क्यों ना हम आज उस शिव की चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि फरवरी और मार्च के महीने में महाशिवरात्रि आती है। अब उसको शिव की रात्रि कहते हैं। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन इसकी इतनी महिमा क्यों है? तो साल में जब ये माघ के महीने में आती है शिवरात्रि, तो ऐसा क्या होता है, इसको शिव की रात्रि क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वैसे तो देखा जाए सारे दिन रात सब शिव के ही बनाए हुए हैं, उस परम पिता परमात्मा के जो निराकार शक्ति है, जो चेतन है, जो हर समय प्रेजेंट है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, हम सब चल रहे हैं। तो उसके ही दिन रात हैं ये धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब कुछ, और इनको, ये प्रकृति और नेचर को चलाने वाली ये चेतनता, तो ये सब यूनिवर्सल डांस हो रहा है यहाँ पर, और उसका हम एक छोटा सा हिस्सा भी है। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम जो भी कर रहे हैं, जो सिस्टम हमें दिया गया है, हमारा मन, हमारा तन, दोनों बहुत शानदार सिस्टम दिए गए हैं, और उस सिस्टम को चलाने के लिए जो हमें, जिसे हम आत्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं, तो पूरा ये हमें, जिसे कहना चाहिए, फुल पैकेज मिला हुआ है हमें ज़िंदगी को देखने का, संसार को जीने का, और परमात्मा के साथ जुड़ने का भी, दोनों इंतज़ाम किए हुए हैं। क्योंकि एक शिव है जो उसके साथ जुड़े, हमारे ऋषि मुनि जुड़े जब उनसे, तो क्या हुआ, तो उन्होंने सारे शिव के रहस्यों को जान लिया। तो उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया, हमारे लिए भी ऐसा उत्सव रख दिया कि हम भी किसी बहाने से इस रात्रि को शिव के साथ हों, शिव को अनुभव करें। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, आई थिंक बहुत ही समझदार थे, उन्होंने धर्म के नाम पर इतना कुछ हमें दिया, जैसे कि सुबह मंदिर गुरुद्वारे जाना, सुबह उठना, पूजा पाठ करना। अब सुबह उठने के कितने फायदे थे, जब नंगे पांव जाते थे एक्यूप्रेशर भी हो जाता था, और ऑक्सीजन भरपूर मिलती थी सुबह के टाइम में, जिसे कहते हैं अमृत वेला होता था, है। और फिर उसके बाद सुबह उठते ही परमात्मा का नाम लेना, यानी शिव के साथ जुड़ना, तो क्या होता था, वो पॉजिटिविटी थी, जिसे आज हम सबको सिखा रहे हैं कि आप पॉजिटिव हो, क्योंकि हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं ना, संसार में इतने खचित हो चुके हैं कि हमें ये सब अब सुनना और कहना पड़ रहा है। लेकिन जो जो भी परमात्मा के साथ जुड़ते हैं लोग, तो वो बड़े परोपकारी होते हैं, वो सारे संसार के लिए बहुत सारे तोहफे देकर जाते हैं। तो इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति में भी हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वेदों में, उपनिषदों में, और अपने व्याख्यानों में, कई ग्रंथों में हमें बहुत बड़े बड़े मैसेज दिए हैं। तो ज़रूरत तो ये है आज हम उस मैसेज को समझ पाएँ, क्योंकि हर त्यौहार के पीछे मैंने देखा है कोई ना कोई कारण, पर्पस जरूर होता है, जो कि आज साइंस भी मान रही है। जैसे वो कहते हैं व्रत रखना है, फास्टिंग करो, आजकल कितना फैशन आ गया है जी, फास्टिंग करो, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो और ऐसे पॉजिटिव बनो जी, क्योंकि दैट इज़ गुड फॉर माइंड। तो माइंड और बॉडी को आज जब साइंस ने कहा कि इस तरह से रखो, तो हमारी यंग जनरेशन जो है मानने के लिए राजी हो गई। और अगर धर्म के नाम पर ऐसा हो रहा था, तो हमने सोचा ये तो धार्मिक बातें हैं, इसका तो कोई लाभ ही नहीं है। तो हमने उनको नहीं माना, हम चूक गए, हमसे गलतियाँ हुई, हमने ट्रस्ट नहीं किया। तो उसका नतीजा क्या हुआ, आज जो सारा संसार हताश है, निराश है, परेशान है, खुश नहीं है, खुशी ढूंढ रहा है ना, खो गया है इंसान कहीं, तो वो इसी कारण से हुआ है कि हम खुद को जान ही नहीं पाए। जो हमें मैसेजेस मिले थे, वहाँ हम रुक ही नहीं पाए, हमने हर चीज़ को ना समझा, ना किसी पे ट्रस्ट किया, ना कभी विश्वास किया। क्योंकि दो बातें होती हैं, या तो हम अपनी इंटेलिजेंस से कुछ जाने, कुछ समझें, तब हम कुछ कर सकते हैं, या फिर किसी पर हम विश्वास इतना करें, उसको समर्पण कर दें कि जो वो बात कह रहा है हम उसको माने, तो तभी हमारी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो अब बात हो रही थी कि शिवरात्रि, तो आपको पता है जब हम इस दुनिया में चलते चलते बहुत थक जाते हैं, तो क्या होता है, तो हमें नींद की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तो विश्राम हम करने चले जाते हैं, डीप स्लीप लेते हैं। क्योंकि डीप स्लीप में क्या होता है, हमारी पूरा बॉडी, माइंड का जो सिस्टम बनाया हुआ है, सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल
सेलुलर लेवल पे अपना काम करता है ताकि हम अगले दिन फिर फ्रेश होके अपने काम पर जा सके। तो ये देखो यूनिवर्सल सिस्टम कितना अच्छा है, और हम तो रात को अब सोते भी नहीं हैं, हमने उस सिस्टम को भी खराब कर दिया है। क्योंकि यूनिवर्सल सिस्टम के साथ जब हम चलते हैं तो हमारी नेचुरल हेल्थ होती है, हमारा मन तन नेचुरल रूप में ही स्वस्थ रहता है। शायद यही कारण था कि पिछले जो हमारे पूर्वज थे वो 100-100 साल तक जीते थे और बीमार भी नहीं होते थे, इतने डॉक्टर्स भी नहीं होते थे, तो कितना स्वस्थ जीते थे, क्योंकि उन्होंने सारी स्वस्थ बातें अपना रखी थी। चाहे जिनको जानकारी नहीं भी थी तो उन्होंने भी अपनी ऋषि मुनियों की बात को मानकर समझकर उन बातों को जीवन में अपनाया था। सुबह उठते ही पूजा पाठ करके पॉजिटिव रहते थे वो, और इसीलिए इतना प्रेम भी रहता था, अब समझ आता है। लेकिन आज हमने उन बातों को पीछे छोड़कर अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को संसार में खचित कर लिया, अपने आप को दुखी कर लिया, और फिर हम मार्ग ढूंढ रहे हैं। तो मार्ग तो एक बहुत सामने आपके आ रहा है, और ये त्यौहार भी आपको याद कराने आ गया कि एक शिव है, और एक शिव शक्ति की वजह से, जिस शक्ति की वजह से हमारा तन और मन चल रहा है, तो उस शक्ति के साथ हम जुड़ें। और इस दिन तो देखो सोलर सिस्टम और अर्थ का कनेक्शन और मून की वजह से जो भी सारे कनेक्शन है, तो ये नेचुरल वे में ही दिसंबर के बाद जो है ऐसा मौका आता है जनवरी फरवरी, जबकि हमारी पूरी एनर्जी जो है वो जो एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी है वो अपवर्ड जाती है, यानी बहुत अवेलेबल होती है। लेकिन अब कोई चीज़ बहुत हमें मिल रही है, अबंडेंस में मिल रही है, उस दिन हमें फालतू मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। तो वैसे तो हम एनर्जी को बढ़ाने के लिए कितनी मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी थोड़ी एनर्जी बढ़ाने के लिए, और उसका सोच समझ कर इंतज़ाम, खर्च कैसे करनी है, बचानी कहाँ से है, वेस्ट कैसे नहीं करनी है, इस पर भी मैंने कई वीडियोस करी हैं पहले। तो अब जब मौका है हमारे पास कि उस नेचुरल वे में कि उस दिन हमें मौका मिल रहा है, हमारी एनर्जी जो बढ़ाने का मौका मिल रहा है। और देखो अगर बढ़ी हुई हमारी एनर्जी होगी तो हमारे सारे सिस्टम को वो हेल्दी बनाएगी, हमारे तन को भी, हमारे मन को भी, और आपको पता है हमारे करोड़ों सेल्स हैं जिनको वो जो बिल्कुल इनएक्टिव चल रहे हैं, यानी उनको हम ऊर्जा ही नहीं दे पा रहे, उनको हम एक्टिवेट कर ही नहीं पाए। अगर वो एक्टिव हो जाए तो आज जो हमारा जीवन है उस स्तर पर नहीं रह सकता। हम तो बहुत हमारी ऊंची डायमेंशंस हैं, बॉडी माइंड तक ही हम सीमित नहीं हैं, तो हम शिव भी हैं, हम परमात्मा भी हैं, और ये तन और मन जो चल रहा है ये शिव शक्ति से ही चल रहा है, वरना तो ये शव ही है। और धरती मिट्टी पानी अग्नि सब ये कुछ भी हमारा नहीं है, ये भी सब शिव का ही है, जो निराकार रूप है, जिसका ना आदि है ना अंत है, और जो हर समय प्रेजेंट है, और जो हर समय हमें देख रहा है, और जो हमें चला रहा है। मेन बात तो ये है जिसके कारण हम हैं, जिसमें हम चल बढ़ रहे हैं, हर प्राणी जगत ही उसमें चल रहा है। तो उस चेतना को, उस शिव को नमन करना, उसके साथ जुड़ना तो बहुत शुभ है। और अगर आप शिव का संस्कृत में भी अर्थ देखें तो बहुत अच्छा मीनिंग है उसका, कि जो मंगलकारी है, जो ऑस्पिशियस है, जो शुभ है। और वो कौन होता है, वो सिर्फ जो मंगलकारी शुभ है वो सिर्फ परमात्मा ही होता है, या जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वो जो परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, तो वो भी उतने शुभ और मंगलकारी हमारे समाज के लिए हो जाते हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये सब बातें हमको समझा कर भी गए, ताकि हम भी कभी ऐसा मौका आए तो अपने अनुभव में जीत सकें कि ये कौन है शिव, ये कौन सी शक्ति है जो हमें चला रही है। तो उस शक्ति के साथ ढूंढने का बहुत अच्छा अवसर है। हम उस दिन रात्रि को जागें और मेडिटेशन करें, आगे पीछे नहीं भी करी तो उस दिन देखें कि एनर्जी हमारे शरीर कैसे चल रहा है, मन कैसे चल रहा है। एक बार हम मेडिटेशन में बैठने का मतलब अपने विचारों को रोक कर जब हम बैठेंगे तो क्या होगा, उस समय हम देखें हमारा शरीर मन विचार एनर्जी कैसे चल रही है, हम दृष्टा बने। तो दृश्य देखने में तो हमारा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन जब हम दृष्टा बनेंगे तो सब देखेंगे कि ये सब कैसे घटित हो रहा है, कौन इसको करवा रहा है, कौन शक्ति हमको चला रही है, पूरे यूनिवर्स को चला रही है। तो उस शक्ति को नमन करने के लिए, उसके आगे समर्पण करने के लिए, उसके झुकने के लिए हमारा हृदय खुद ही झुक जाएगा। तो मैं चाहूंगी इस अनुभव को आप जरूर जरूर लें उसके साथ, क्योंकि जब तक हम खुद अनुभव नहीं करते किसी भी बात को, हम कहीं सुनी समझकर इधर उधर कर देते कि ये तो खाली बातें हैं जी, ऐसे तो नहीं होता, तो ऐसे वैसे नहीं होता, किसी की बात नहीं मानी। तो खुद की बात मानो, खुद के साथ जुड़ो, शिव जो है आपके इसको चला रहा है, वरना ये शव बन जाता है। तो उस शक्ति को देखो कि अगर ये ना हो तो हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, और इसके कारण ही हम अस्तित्व में हैं। तो इस
परमपिता परमात्मा को, पूर्ण शक्ति को, सुप्रीम पावर को, चेतना को, कॉन्शियसनेस को अनुभव करें, इसके साथ जुड़ें और इसकी शक्तियों से अपने जीवन को फिर जैसे चलाएं वैसे चलाएं, क्योंकि बॉडी माइंड तक तो बहुत लिमिटेड विजन है। तो जो ये वो कहते हैं ना शिव जी की तीसरी आंख है, वो तीसरी आंख कौन सी है? जो सबको देख रही है, कॉन्शियसनेस है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन वो फिर भी सबको देख रही है और जिसके कारण सारे दृश्य भी दिख रहे हैं और हम भी सब कुछ देख पा रहे हैं उसी की वजह से। तो ऐसी शक्ति को नमन करते हुए ऐसे प्रकाश को जीवन में लाने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे जो संसार में रहते हुए जो हमारा मन अंधकार में डूबा हुआ है, तो इस प्रकाश के साथ हम जागृत हो जाएं। तो जागरण हम जरूर करें। जागना कैसे? जागना जब हमें समझ आ जाती है तो हम जाग जाते हैं। तो ये अलार्म है, हमारा यूनिवर्सल अलार्म है कि उस रात को एनर्जी मिलने जा रही है, भरपूर एनर्जी मिल रही है, तो हम उसका भरपूर फायदा उठाएं। हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और ब्रेन पावर भी बढ़ेगी, एनर्जी भी हमारे में खूब होगी, हम खूब सारे कार्य करेंगे। लेकिन इसमें एक बात का आप जरूर ध्यान रखना कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम अपनी स्पाइन को सीधा रखते हैं, जो हमारी जितनी भी नर्व्स हैं पीछे, नस नाड़ियाँ जो भी चल रही हैं, हमारे सिस्टम है जो, उसको बिल्कुल हम सिस्टम को ऊपर नीचे मत करें, उसको स्ट्रेट को सीधा रखेंगे, तो उससे क्या होता है आप पूछेंगे, तो उससे हमारा जो एनर्जी का फ्लो है वो बिल्कुल सीधा, एनर्जी का फ्लो बिल्कुल ब्लॉक नहीं होता, एकदम नेचुरल सा फ्लो होता है। तो उस नेचुरल फ्लो के बीच में हम बाधा नहीं बने, ये नहीं कि हम सो गए हैं और मस्ती से ऐसे लेटे हैं वैसे लेटे हैं, हम जागरूक हों होशपूर्वक, क्योंकि होश सत्ते ही बहुत कुछ दिखने लगता है और बेहोशी में तो कुछ नहीं है, फिर जैसे मर्जी बैठते हैं जैसे मर्जी करते हैं। तो यही प्रार्थना है कि आप भी कई रातें तो सोए हैं, तो इस रात को थोड़ा जाग कर भी देखें, है ना। शिव की शक्तियों के का तो बहुत ही आपने आनंद ले रहे हैं, बॉडी माइंड से तो बहुत चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस शक्ति से कैसे मैनिफेस्ट हो रही है उस डायमेंशन में भी जाकर देखें, उसका भी अनुभव करें, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल ही जाएगा। आप वो नहीं रहोगे जो कि आज आप बॉडी माइंड तक बनकर लिमिटेड से रह गए हो, तो अनलिमिटेड डायमेंशन में जाने के लिए एनर्जी को बढ़ाइए और ऐसे अवसर को पूरा तरह से जीकर देखिए फ्रेंड्स। तो आज आपके साथ शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, शिव को नमन करते हुए, आप सबको नमन करते हुए मैं विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, तब के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड वेरी मच।